वही बात फरीदाबाद की। फरीदाबाद में चल रहे 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह में रोड सेफ्टी को लेकर हरियाणा पुलिस के ट्रैफिक ताव की स्टॉल मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। धार्मिक ग्रंथ गीता की जानकारियों के साथ साथ लोग रोड सेफ्टी स्टॉल की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। दिखाई दे रहा ये वही समारोह में आने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों को लेकर ट्रैफिक ताव उनकी क्लास लेकर उन्हें विस्तार से ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रहे हैं। वही छात्र भी बड़े चाव से ट्रैफिक नियमों की जानकारी हासिल कर रहे हैं और ट्रैफिक ताव से बाकायदा सवाल जवाब कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, आज गीता महोत्सव का आयोजन है, यहाँ पर स्टॉल लगाई है खास स्टॉल, और बच्चों को भी आपने काफी समझाया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ट्रैफिक ताव की राम राम, फिर जो आप आए हो तो आपका चैनल को राम राम। भाई हमारे को चिंता ही देश की, इस परिवार की, हम ये चाहते हैं हर घर का आंगन खुशियों से भरा रहे और कल कारियाँ उसमें बाजती रहे। उसको संभालने वाला या उसमें किलकी मारने वाला कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि सड़क दुर्घटना के अंदर बहुत इतनी मौतें होने लगी है कि इतने तो हमारे देश आज़ादी करवाते समय क्रांतिकारी भी शहीद नहीं हुए, जितने हमारा बगैर बात सड़कों पर लाखों आदमियों का खून ऐसे बिखरा बिखरा घूमता। हमारी सड़कें जहाँ तारकोल की ज़रूरत है वहाँ पर खून से लाल होती दिखाई दे रही है। डेली 500 आदमी ऐसे मर रहे हैं, कई बार तो छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल ऐसे हमारे सामने हादसे होते हैं, उन्हें खुरपियों से खुरचने पड़ते हैं। बड़ा हमारे को दुख होता है, बड़ा रोना आता है। तो इसलिए हमने जनता को जागरूक करने के लिए ये स्टॉल लगा। भाई गलती करोगे तो यो जुर्माना, और ना गलती करोगे तो भाई ठीक ठाक घर पहुंच जाओगे। हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, फोन पर बातें ना करना, और यमराज तक हमने उसमें दर्शा रखे। भाई आप अगर जब गाड़ी चलाओगे, आप फोन किसी को मिलाते हो, वो यमराज से भी मिल सकता है। तो काफ़ी बातें, फिर हमने दूसरा पर्यावरण को देखते हुए कपड़े के बैनर मंगवाए हैं, इधर से डिजिटल बैग है। हर प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट में कम से कम आदमी की जान जाए, 0-0 टॉलरेंस हो। इनको बताते हैं कि भी हमने मेट्रो स्टेशन है वहाँ से रोड क्रॉस करो, उसके अलावा हम बताते हैं फ्लाईओवर से करो, नीचे से करो, पर बगैर बात रोड क्रॉस मत करो, जो कि डेली दुर्घटना के कारण बन रहे हैं। ये आपका जरिए हम यही संदेश देना चाहते हैं। अगर आपको कोई ट्रैफिक में दिक्कत हो, DCP ट्रैफिक पुलिस फेसबुक का सहारा लीजिए और हमारे को बताइए, चलान करना चलान करेंगे, और ज़्यादा भीड़ भड़ाका तो वहाँ पर सुधार करेंगे। और दूसरी बात भाई, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भाई धुंध पड़ने लगी ज़्यादा आ गया, ये रिफ्लेक्टर टेप हमारे पास जो ये गाड़ियों पर, इनमें 3 किस्म की होती है, एक पीली होती है, एक वाइट होती है, एक लाल होती है। ये जो ये साइडों में लगती है, ये पीछे लगती है, वाइट आगे लगती है, आप अपनी गाड़ियों में लगाओ। और बच्चे भी, मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी बैग लें या जैकेट लें, चमकीली धातु का रेडिएशन लगना जरूरी है, क्योंकि रात को वो चमके और कहीं जाए तो कोई गाड़ी की लाइट लगे तो बच्चा उसको दिखाई दे, जिससे एक्सीडेंट में बहुत ही फर्क पड़ सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे मेट्रो चल रही है, मेट्रो लाइन की पीली पट्टी, रोड की लाल बत्ती, अगर जम की तो मौत पक्की। ये छोटी छोटी बातें, इन बच्चों की तरफ समझदार तो सारे हैं।